मेरा नाम डॉक्टर हेमंत नाग है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। ये संस्था है ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल, टोल्फा पशु चिकित्सालय। पिछले 13 या 14 साल से लगातार सक्रिय है लावारिस जानवरों के सहायता के लिए, उनकी किसी भी तरह की समस्या के लिए। यहाँ पे जो भी लावारिस जानवर जो भी बीमार पड़ता है उनको हमारी रेस्क्यू गाड़ी, यहाँ पे 2 रेस्क्यू व्हीकल है एक्चुअल में और 1 एम्बुलेंस है। तो 2 रेस्क्यू व्हीकल लगातार रात को 24 आवर वो घूमते हैं और जितनी भी रेस्क्यूज़ हैं पूरे अजमेर शहर में जहाँ से भी कंप्लेन आती है उन सभी रेस्क्यूज़ को, सभी लावारिस जानवर को, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, केवल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को छोड़ करके जितने भी जानवर हैं उन सबको रेस्क्यू करके लाते हैं। हम यहाँ उनके अच्छे से देखभाल करते हैं, किसी भी तरह के इलाज की आवश्यकता होती है तो हम उनका इलाज करते हैं। पिछले 13 साल से ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि एक समाज सेवा का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अंदर बहुत सारे जानवर हैं और इतने जानवर हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं लेकिन हम उनको उनकी जगह पे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? या तो वो अपंग हो चुके हैं या फिर किसी और कोई डिफ़िकल्टी है कि वो स्वस्थ जानवरों के साथ में या अदर जो बाहर का वातावरण है उसमें वो एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको शेल्टर बनाया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हमने शेल्टर जानवर के रूप में रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो पिछले एक लंबे समय से चल रहा है। मैं पिछले 3 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बेहद खुशी है ऐसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने रैबीज़, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे अजमेर शहर में नसबंदी, कुत्तों की नसबंदी का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जो लगातार पिछले कई सालों से जारी है और आज भी जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। ये जो संस्था है हमारी, टोल्फा पशु चिकित्सालय, ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल, एक्चुअल में ये एनिमल की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा ट्री है। आप एक तरह से समझिए यहाँ पे ना केवल लावारिस जानवर हैं बल्कि जो डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, उन सब का भी निःशुल्क इलाज किया जाता है। जितने भी मालिक के जानवर हैं इस तरह के उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। हमारे साथ आज 50 लोगों की एक पूरी टीम है जो इस कार्य में लगातार लगी हुई है, प्लस हमारे साथ 4 डॉक्टर्स हैं जो इन सारे इतने सारे पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। हमने 2 व्हीकल लगा रखे हैं इसके लिए, पूरी रेस्क्यू टीम में 2 व्हीकल है जो लगातार कार्य करते रहते हैं। हमने सुना है इसके अदर्स के अलावा जैसे काफी बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे गरीब तभी के उनके पास एनिमल्स भी होते हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि कई बार पशु की बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खर्चा उनके लिए वर्णन करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि निःशुल्क उनका उपचार करती है और देखभाल करती है। डोनेशन है, नहीं गवर्नमेंट से अटैच नहीं है, एकदम प्राइवेट संस्था है। और जो डोनेशन का है, बहुत सारे स्वर्ण सहयोगी हैं जो हमारी सहायता करते हैं और बहुत लोग हैं जो इस कार्य में हमारी हेल्प कर रहे हैं लगातार अनवरत रूप से। हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन कोई ना कोई आके हमें डोनेट करके जाता है इन सभी पशुओं की देखभाल के लिए। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए और हमारे इस कार्य में सहयोग कीजिए। ये जो हमारा पशु चिकित्सालय है, ये टोल्फा एनिमल हॉस्पिटल है, ये अजमेर के खरेखड़ी गांव में स्थित है जो कि अजमेर के फाई सागर से करीबन 4 किलोमीटर दूर ऑन रोड ही है। तो कोई भी अगर आना चाहे, चाहे पुष्कर से आ रहा हो, चाहे अजमेर से आ रहा हो, तो उसके लिए बहुत ईजी अप्रोच है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर कोई भी संस्था से संपर्क करना चाहता है तो 9116622585 या 9116633585 पर संपर्क करें और अपना अमूल्य सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।